क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ एथनिक के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ एमडब्ल्यूओ के लोग बैठे हुए हैं, जो कैमरा एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ एंकर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जो कैमरे के उस तरफ मीडिया वर्कर्स खड़े हैं, मैं सबको तय दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जो जिस किस्म का काम हुआ ये हमारी कोई मेहरबानी नहीं है, ये हुकूमत की कोई मेहरबानी नहीं है, ये वही कड़ी और वही सिलसिला है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम जिस 18th वेज बोर्ड का 18 साल के बाद अफजल भाई साहब जिक्र कर रहे थे, 18th वेज बोर्ड का क्योंकि 18 साल के बाद नाफिज हुआ था, ये उसी विजन की कड़ी है। और जब अपोजिशन लीडर थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो हमारे अपोजिशन चैम्बर में अफजल भाई साहब भी आते थे, जर्नलिस्ट भी आते थे, रिपोर्टर्स भी आते थे, कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत खराब है, कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत खराब है, तो मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी तो मरियम ये काम आपने करना है कि जो जिस तरह हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है कि डिग्निफाइड तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस का काम करना है। तो ये उसी विजन का, उसी खिदमत की ये कड़ी है, सिलसिला है जो एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जारी हुआ है और ये इसका सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पिछले 4 साल में ये कोई सियासत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सहाफियों की बात हो रही है, मैं अपनी गुफ्तगु को भी बहुत से मौके होते हैं जो हम सियासत पे गुफ्तगु कर सकते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ अपना मौकफ बयान कर सकती हैं, लेकिन ये सहाफियों के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए एक ऐसी चीज है कि जो उनका हक था, जो मालिकान की तरफ से किसी भी रीजन की वजह से कोई कोताही थी, कोई कमी थी, ये जो गवर्नमेंट का पैसा होगा ये उसको ब्रिज करेगा ब्याज को, ये किसी तरह भी मालिकान की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी जुबान नहीं है और उसके लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, जिसमें पेमरा के कानून के अंदर पहली दफा जो PFUJ है उसकी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, जहां मालिकान के पास सीट है PDA के पास, वहां PFUJ के पास भी अथॉरिटी और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर उनको सीट दी गई है और उसको लिंक किया गया कि जितने गवर्नमेंट के बिजनेस इश्तेहारात में जाते हैं मीडिया हाउसेस को पैसे, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो आपकी नौकरियां हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल तरीके से उसके SOPs हैं उनको मुकम्मल करने के लिए पेमरा के अंदर अथॉरिटी के अंदर और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी दे दी गई है और उनको इश्तेहारात के साथ लिंक किया गया है। उसके साथ साथ जो IDNE की बात हुई, ये अफजल भट्ट साहब ने इसका जिक्र किया कि ये हुकूमत 1 साल की जरूरत है, लेकिन इस हुकूमत ने किसी सहाफी के पेट में गोलियां नहीं मरवाई, पसलियां नहीं तुलवाई, उनके घरों में घुस के उनकी हड्डियां नहीं तुलवाई, उनके नाक नहीं तुलवाए, उनके कलम, उनके कैमरों, उनके जमीन के ऊपर पैरे नहीं बिठाए, चलते प्रोग्राम किसी सहाफी का, वो कल को मुझे पूछ रहा था कि सेंसरशिप बहुत हो रही है, मैंने कहा मुझे एक प्रोग्राम बताएं चैनल का जो चलते बंद हुआ हो, एक केस बताएं इरफान सदीकी साहब जैसा या मीर शकीलुर्रहमान साहब, तो ये अफराद को जेल करके बंद करके सियासी इंतकाम के जमरे में ये मैसेज होता है उस इंडस्ट्री को कि अगर ये शख्स बंद हो सकता है तो फिर जो मीडिया वर्कर या जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर है उसकी क्या औकात है, और वही चीज PMDA की सूरत में हम पे मुसलत होने लगी है। उस वक्त भी अफजल भट्ट साहब का नेशनल इस्लामाबाद प्रेस क्लब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अफजल भट्ट साहब का, PFUJ का, आप सब लोगों का, कि यही कुर्सी थी, जितना मजबूत और बहादुर मैं अपने आप को इस कुर्सी के ऊपर पाती हूँ वो मैं अपनी वजीर की कुर्सी के ऊपर, क्योंकि ये वही कुर्सी थी जो नेशनल प्रेस क्लब की थी जो हमें मुयस्सर थी, जिस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे मीडिया के लिए बंद थे, कोई प्रेस टॉक नहीं हो सकती थी, कोई मेंबर नेशनल असेंबली वहां प्रेस टॉक नहीं कर सकता था, क्योंकि हुक्म था कि किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, जो जेलों में जाने से बच रहे थे उनकी आवाज बंदी हो गई थी। आपको याद होगा मीडिया कॉर्नर पहले दिन आकर हमने पार्लियामेंट का कैमरामैन के लिए और सहाफियों और रिपोर्टर्स के लिए खोला, इस 1 साल के पहले दिन जो गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, हमने सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की, हमने रोडों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की, और तब मैं अफजल भट्ट साहब को फोन किया करती थी, अफजल भट्ट साहब हमने प्रेस टॉक कर लिया, जरा एक बात मैं आपको बताऊं, इनके आपके साथ अपना ताल्लुक होगा, आपकी सहाफत थी,
एक बरादरी का ताल्लुक होगा, लेकिन ये शख्स बहादुर है। दरवाजे खुले थे नेशनल प्रेस क्लब की के दरवाजे हम पे खुले, जब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद थे, जब वहां मीडिया कॉर्नर बंद कर दिए गए, जब चलते प्रोग्राम बंद कर दिए गए थे, जब लैब में लोग जाते थे पेशियों के लिए, इन लोगों के ऊपर जुल्म क्या हुआ? ये जुल्म कहते हैं इसको? चार साल जो इस मुल्क में सियासी इंतकाम और सहाफत के ऊपर कदमने लगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, और इसीलिए मीडिया प्रेडेटर का खिताब उसको लकब मिला। जो आरएसएफ की रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 7 पॉइंट्स फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो इम्प्रूव हुआ है, वही आरएसएफ की रिपोर्ट ने मीडिया प्रेडेटर का, और ये वही विजन है जो साहब और हम पीएमडीए के वक्त अफजल भट्ट साहब के साथ मैं उस धरने में मौजूद थी जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ था। वो इतना काला कानून था जो नाफिज किया जा रहा था आप सबकी आवाज बंद करने के लिए, आपके कैमरे बंद करने के लिए, आपका जो आजादी सहाफत है उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन जब हम खड़े हुए, जब तमाम सहाफती बरादरी खड़ी हुई, मीडिया वर्कर खड़े हुए, वो नहीं हो सका। जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल हुई वो नहीं हो सका। और यही वो वजह है कि अगर आपका लीडर बहादुर हो, जब लीडर नवाज शरीफ था तो जमात किस तरह खड़ी थी? जब लीडर नवाज शरीफ था तो सबसे पहले जेल लिया था कि मेरे कारकुन को ना हाथ लगाया जाए, उनको पता था झूठे केस में, उनको पता था ये पैनामा नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठे इल्जाम और मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाकर मुझे अंदर किया जा रहा है। किसी ने देखा कि कोई एम्बुलेंस तोड़ी गई हो, मरीजों को सड़कों पर फेंका गया हो, अस्पताल तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हसास तनसीबात के ऊपर हमले किए हो, कोई किसी किस्म की ऐसी कॉल आई थी यहाँ से जीएचक्यू से, यहाँ जीएचक्यू के दरवाजों के ऊपर मुजस्मे यादगारें शोधा की उनको तोड़ के उनको नीचे फेंक के उनको ठुकरे मारे जाए, क्योंकि उनको पता था मैंने कोई गलत काम नहीं किया और इस मुल्क की हिफाजत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया वो मेरा फर्ज है, मेरी जात के साथ क्या हो रहा है वो मेरा मसला है और अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ा। लेकिन जो इस मुल्क की हिफाजत है, इस मुल्क को तामीर किया, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीन बनाया, इस मुल्क के अंदर तरक्की लाई, इस मुल्क के अंदर मोटर वे बनाए, इस मुल्क के अंदर सीमेंट लाए, रोजगार दिया, महंगाई खत्म की, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को रोजगार दिया, ये वो तमाम मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि यह हुकूमत एक साल की जरूर है, लेकिन इस हुकूमत ने किसी सहाफी पर गोलियां नहीं चलाई, किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, सहाफियों को मुकम्मल आजादी से काम करने दिया गया है, जबकि मुल्क को नफरत फसाद और तफरीक के खात्मे की जरूरत है। आपको याद होगा कि एपीएस के वक्त जब सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की बात हुई, जो दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करते थे, तो सबसे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट और जो कैमरामैन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए कानून साजी की जाए, जिसमें मैं जरूर नाम लूंगी नफीसा शाह साहिबा का, उनका प्राइवेट बिल था और मैं वजीर थी, हम लोगों ने मिलकर इस पे काम किया, जो चार साल उसके ऊपर कानून साजी पार्लियामेंट से उस बिल पे जरूर हो गई, लेकिन उसका कोई वाली वारिस नहीं था, उसको ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में छोड़ दिया गया, और अब अल्लाह ताला के फजलो करम से जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून है वो वजारत के पास आ चुका है, वो इस वक्त इत्तलात की कमेटी में है।